17 सितंबर में इसराइल में होने जा रहे चुनाव को लेकर पाकिस्तान में मुर्गा बांग देने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। यहां इमरान द्वारा की गई अमेरिका यात्रा का गधैया नृत्य बंद हो चुका है। अब तशरीफ दिखाओ गाल बजाओ का अभियान चल निकला है, मतलब पूरे पाकिस्तान के अरमानों पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू की एक तस्वीर वाले बैनर ने पानी फेर दिया है। इस्लामाबाद के चौराहे पर इकट्ठा होकर ये पाकिस्तानी एक भिखारी की तुलना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करके बेमतलब गाल बजा रहे हैं। हालत यह है कि इमरान खान द्वारा बोले गए शब्द घबराना नहीं है, अब डर जाना नहीं है में बदल गए हैं, यानी मोदी और नेतन्याहू की तस्वीर ने पाकिस्तान में उत्पात मचाया हुआ है। दरअसल भारत में अकेले अपने दम पर बीजेपी को जीत दिलाने वाले पीएम नरेंद्र मोदी अब इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू का सारा बनते दिख रहे हैं। इजराइल में हाल ही में एक चुनावी विज्ञापन में उनकी तस्वीर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ देखी गई है। इजरायली पत्रकार अमिचाई स्टेन ने रविवार को एक बिल्डिंग के बाहर टंगे बैनर को अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा किया है, जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू पीएम मोदी के साथ नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में इसी को लेकर तस्वीर पटकी जा रही है। पूरा पाक मीडिया डिबेट चला रहा है कि भारत का पीएम इतना लोकप्रिय है कि विदेशी नेता भी उसके नाम से चुनाव लड़ रहे हैं। कमाल की बात यह है कि इन्हें लगता है कि इमरान खान अमेरिका में जो घंटा बजाकर आया है उससे इनका भी टंटा कट गया है, मतलब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादी इमरान खान की फोटो बगल में लगाकर संगठन के चुनाव जीत सकते हैं। वैसे पीएम नरेंद्र मोदी के नाम से तो इमरान खान ने खुद चुनाव जीता है। अपने चुनाव प्रचार के दौरान स्वयं भिखारी आजम प्रत्येक रैली में मोदी मोदी का जाप कर रहा था। केवल इतना ही नहीं, यह जिस खुराफाती ट्रंप से मिलकर आया है उसने भी वर्ष 2016 में मोदी के नारे का सहारा लिया था, जिसमें यह कहता फिरता था अब की बार ट्रंप सरकार। यानी दुनिया का एकमात्र इजराइल ही ऐसा देश नहीं है जहां मोदी की लोकप्रियता को भुनाया जा रहा है, ऐसा कई देश पहले से कर चुके हैं। बड़ी बात यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू नरेंद्र मोदी को अपना सबसे खास दोस्त कहते हैं। भारत और इजराइल के संबंधों को इन दोनों नेताओं ने पहले से कहीं ऊंचे शिखर पर स्थापित किया है। 2019 के आम चुनाव में जीत हासिल करने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू दुनिया के पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने पीएम मोदी को बधाई दी थी। इससे पहले पिछले चुनाव में भी बेंजामिन नेतन्याहू मैं भी चौकीदार का नारा इस्तेमाल कर चुके हैं। यह नारा भी बीजेपी का चुनावी कैंपेन का हिस्सा रहा है। पाकिस्तान का दर्द यही है कि इमरान खान ग्लोबल लीडर बन सकेगा या नहीं, मतलब इन मदरसा छाप लोगों को लगता है कि ट्रंप की एक मुलाकात ने इनके पिछवाड़े पर गुलाब के पौधे उगा दिए हैं जिनसे फूलों का उत्पादन शुरू हो सकता है। यानी जिस देश में लोकतंत्र राजतंत्र में सांस ले रहा है, इनका अपना सरकारी टेलीविजन इमरान खान के लिए बैगिंग शब्द की क्लिप चलाता हो, सुए इनकी सूचना मंत्री फिरदौस आसिम अवाम ट्वीट करके कहती हो कि इस बार इमरान खान भीख मांगने नहीं गया है, उस देश की जनता एक भीख मंगे में ग्लोबल लीडर खोज रही है। यानी पाकिस्तान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आने वाले वक्त में दुनिया के वर्ल्ड लीडर भिखारियों के बीच से निकला करेंगे, मतलब मदरसे की चार दीवारी पर अल्लाह अकबर और तहमंद को वजीर आजम हाउस के झंडे की जगह फहरा देने से पाकिस्तान वर्ल्ड लीडर बनने जा रहा है। लेकिन मामला यहां तक नहीं है, मोदी के समांतर इस वक्त दुनिया में कोई नेता नहीं है। वे लोकतांत्रिक देश के ऐसे नुमाइंदे हैं जिन्हें 130 करोड़ की आबादी ने मताधिकार करके चयन किया है, इसलिए भारत को सबसे बड़ा और विश्वसनीय लोकतंत्र कहा जाता है, जिस पर भारत के बच्चे बच्चे को गर्व है। पाकिस्तान वह मुल्क है जहां लोकतंत्र सेना की पूंछ की तरह है, जिसे सेना जब चाहे जिधर भी पटक सकती है। ऐसे फंटर मुल्क में ग्लोबल लीडर नहीं गिदड़ पैदा हुआ करते हैं, जो शाम होते ही हुकी हू करना शुरू कर देते हैं, फिर सुबह होते ही बिल में दुबक जाते हैं, मतलब रात को क्या बोला था कहीं सेना को कुछ नागवार तो नहीं गुजर गया। पाकिस्तान केवल कश्मीर पर ट्रंप की बकलोली से एक भिखारी आजम की ग्लोबल लीडर के रूप में व्याख्या कर रहा है, वह भी उस कश्मीर पर जिस पे भारत के सख्त रुख से ट्रंप प्रशासन में खामोशी छा गई है। कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों द्वारा जनाब को मुशर्रफ से भी बड़े तानाशाह की उपाधि से नवाजा जा रहा है। पाक सरजमी पार्टी के नेता सैयद मुस्तफा कमाल का यह सवाल इमरान की पूरी अमेरिका यात्रा का विश्लेषण करने के लिए काफी है कि क्या इस दौरे से पाकिस्तानी समस्याओं का निदान हो सकता है। पाकिस्तान को ध्यान रखना चाहिए ऐसे सवालों के जवाब ट्रंप जैसे बड़बोले फंटर से बयान दिलवाकर मिटाए नहीं जा सकते हैं।
यह सवाल किसी भी देश के नेतृत्वकर्ताओं का तब तक पीछा करते हैं जब तक वह इनका सकारात्मक पक्ष या उनके लिए बेहतर पहल नहीं करता है। इस्लामाबाद में इकट्ठे होकर गधैया नृत्य करके तहमदों को वजीर हाउस के झंडे से बदलकर या मदरसे की चार दीवारी पर अल्लाहु अकबर लिखकर ग्लोबल लीडर नहीं बना करते। यदि ऐसे ही सब कुछ ग्लोबल होता तो मुगल सल्तनत इस दुनिया से कभी खत्म नहीं होती। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।